नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आईक्यू टीवी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, UFBU और IBA लीडर्स अभी तक पेंशन अपडेशन को केस को सेटल नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने IBA लीडर्स को 3 महीने का टाइम दिए थे और इस 3 महीने में जल्दी से जल्दी IBA पेंशन अपडेशन का जो रिपोर्ट है वो सबमिट करने के लिए IBA को बताए थे, लेकिन IBA अभी तक ये रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई। मिस्टर मल्लिकार्जुन राव जी रिटायर्ड हो चुका है और उनका रिटायर्ड होने के बाद उस पोजीशन में भी अभी तक IBA ने एक भी चेयरपर्सन को नियुक्त नहीं किया और रिपोर्ट भी सबमिट नहीं कर पाए। UFBU लीडर्स और IBA बता रहे हैं हमारे स्ट्राइक सक्सेसफुल हुआ। किस आधार पे बता रहे हैं? सारे बैंक बंद था इसलिए इस आधार पे बता रहे बैंक स्ट्राइक सक्सेसफुल हुआ, लेकिन किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ? अगर इस स्ट्राइक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइजेशन का केस को रोक दे, 5 डेज बैंकिंग को मान ले और उसके साथ साथ पेंशन अपडेशन और अदर जो डीए रिलेटेड इशू है वो भी अगर मान लेते तो ये स्ट्राइक सक्सेसफुल होते, लेकिन ये भी चीज़ तो नहीं माना। उसके साथ साथ जो IBA ने रिपोर्ट सबमिट किए थे वो भी तो अभी तक नहीं सबमिट कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस होगा दोस्तों अप्रैल 22 को क्या IBA फिर से रिपोर्ट नहीं सबमिट करेगा? दोस्तों, इस टाइम में तो हम लोगों को बहुत चिंता हो रही है, क्या IBA UFBU 12 बाईपार्टाइट सेटलमेंट के लिए बैठा है? क्या 12 बाईपार्टाइट फिर से आएगा? फिर से एक पेंशन अपडेशन का इशू को लेके, 5 डेज बैंकिंग को लेके हम लोग बात करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। जो भी हो दोस्तों, अभी तक पेंडिंग में है। अभी अभी सुनने को मिला जो केरला का हाईकोर्ट है उसमें भी पेंशन अपडेशन का केस स्टिल पेंडिंग है, कल नहीं तो अप्रैल 1 को वो केस फिर से ओपन होगा। इसके बारे में आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जुड़े रहिए नॉलेज IQ टीवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।